एज्यूम मीन मेथड में देखिए, हमने सबसे पहले कॉलम हमें बना लेना है। इसमें अभी हमने कोशिश किया है कि आपको इजीली समझाने की कोशिश कर सके, तो क्वेश्चन हम सेम रखने वाले हैं ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए। तो क्लास जो है हमारा वो सेम रहेगा, यानी जो जमात है हमारी वो सेम रहेगी क्लास, वो 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, एंड फ्रीक्वेंसी जो हमारा एज इट इज था वो सेम रहेगा। ये वाला कॉलम जो हमारा था एक्स आई दैट इज क्लास इंटरवल, ये भी हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन सेम है, इसके लिए ये कॉलम भी सेम ही रहेगा। बस हमारा मेथड हम दूसरा समझ रहे हैं जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड, उर्दू में मकरूजा मियानिया तरीका। तो हमने इसको जो निकाला था वो कुछ इस तरह से था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना, जो नंबर आएगा वो यहाँ लिखना है। तो इसका 5 ही आया था, 5 15 और 30 प्लस 20 50 था, 50 का हाफ 25, तो ऐसे 10 10 का गैप लेना है क्योंकि क्लास में भी 10 का गैप है, इसके लिए यहाँ पर भी 10 का गैप लेना है, 35 एंड 45। सबसे पहले तो हमने इसका जो एडिशन जो था वो हमको पहले लिख लेना, समेशन एफ आई दैट इज 25। इसके बाद जो हमारा मेथड है एज्यूमिंग मेथड, इसके अंदर एक कॉलम ऐड होता है नया जिसका नाम है डी आई। इसको कैसे फाइंड करते हैं, देखिए ये जो क्लास इंटरवल वाला जो कॉलम है इसमें से किसी एक नंबर को चूज करके उसी में से सब में से माइनस करना है, तो हमारा ये कॉलम रेडी हो जाएगा। तो वो कैसे करते हैं, सपोज हम ए को 5 को ले लेते हैं, ए ऐसे, तो 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 5 दैट इज 20, 35 माइनस 5 दैट इज 30 एंड 40। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ए नॉर्मली ये नहीं लेते हैं हम, ये लेते हैं। देखो टेक्स्ट बुक में ऐसे मेंशन नहीं किया गया है कि आप यही लो या ये लो या ये लो या ये लो, कोई भी नंबर हम चुन सकते हैं, कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं एज्यूमिंग मेथड के लिए। तो अगर हम फर्स्ट नंबर लेंगे तो हमारे सारे आउटकम्स जो होंगे वो प्लस में आएंगे, सारे आउटकम्स हमारे प्लस में आएंगे। अगर हम 25 को ए सपोज करते हैं तो इसके अंदर आधे वैल्यू प्लस में आएंगे और आधे माइनस में आएंगे। तो स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो मेरी ऐसी राय है कि आंसर तो सेम ही आता है अगर आप एज्यूमिंग ये ले लेते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपके पास सामने आ जाएगा। अब देन हमको फ्रीक्वेंसी और डी आई का जो कॉलम यानी ये जो हमने नया बनाया है इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 0 0, 7 10 जा 70, 25 जा 100, 32 जा 60 एंड 46 जा 240। अगर हम इसका टोटल करते हैं समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू, तो ये 300 हो जाएगा, 4 और 470 दैट इज 470। नाउ हम मीन फाइंड करने से पहले हमको पहले डी बार फाइंड करना होगा। तो डी बार कैसे फाइंड होता है, समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो सबसे पहले आप देखिए आपका जो समेशन एफ आई डी आई था वो टोटल कितना था, 470 और समेशन एफ आई कितना था, 25 था, तो 25 को पुट अप कर देंगे यहां पर, देन अब इसको डिवाइड कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 5 5 9 45 2 5 4 20 5 1 5 5 1 5 4 5 18 40, जिसमें लगा है 0 बड़ा है, 5 8 40, देयरफॉर 18.8 हमारा डी बार आ चुका है। अब हम जो डी बार है हमारा उसमें ए प्लस कर देंगे जो एज्यूमिंग हमने किया था, देन वी गेट आवर मीन, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू डी बार हमारा 18.8 आया है और ए हमारा 5 है, देयरफॉर द एडिशन ऑफ दिस टू 23.8। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस मेथड, दिस इज वेरी इजी, आप ये जरूर याद रखिए ये मेथड, ये थोड़ा सा नया है। सो स्टूडेंट्स अब अगला मेथड है हमारा मीन फाइंड करने का, वो है स्टेप डेविएशन मेथड, जो मीन फाइंड करने का सबसे लास्ट मेथड है।
इसे उर्दू में मरहला गुरेज तरीका कहते हैं, हम सेम एग्जाम्पल पर उसी सवाल पर इसी मेथड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्लास हमने सेम रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी जो है जो जिसे तादुक कहते हैं वो भी सेम ही हमारा फ्रीक्वेंसी 5, 7, 5, 2, 6 इसका एडिशन यानी सिग्मा या समेशन FI 25 होता है। ये क्लास इंटरवल जिसे वस्त जमात कहते हैं ये भी बिल्कुल सेम ही है, दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके जो नंबर आता है सेम ही है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है इसलिए यहाँ तो पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो डेविएशन वाला जो कॉलम है जिसमें से हम जो क्लास इंटरवल में से किसी एक को मीन एज्यूम करके उसी में से माइनस करके ये कॉलम बनता है जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ये मरहला गुरेज के अंदर इसके बाद एक और कॉलम ऐड होगा जिसे UI कहते हैं। यहां तक तो अब तक आपने समझा बहुत अच्छे तरीके से। अब एक कॉलम और ऐड होता है स्टेप डेविएशन में, वो है UI। अब UI ये कॉलम कैसे बनेगा, इसके लिए आपको डेविएशन का जो कॉलम है यानी इस कॉलम को आपको डिवाइड करना होगा जो क्लास का इंटरवल है, जो गैप है, गैप ऑफ क्लास। ये गैप क्या है यहां पर, जी हम गैप बोलेंगे इसको, जी फॉर गैप। तो 10 का गैप है यानी 10 का इसमें फासला है, गैप है, तो 0/10 तो 0 ही आएगा, 10/10 दैट इज 1, 20/10 दैट इज 2, 30/10 दैट इज 3, 40/10 दैट इज 4। अब UI कॉलम का और F कॉलम का मल्टीप्लीकेशन टेबल रेडी करेंगे। देखिए 5 × 0 = 0, 7 × 1 = 7, 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6 एंड 6 × 4 = 24। अगर हम इसको ऐड करते हैं समीशन FI इंटू समीशन UI इज इक्वल टू 24 × 6 = 30, 30 + 10 = 40, 40 × 7 = 47। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड यू बार। सबसे पहले यू बार फाइंड करेंगे। यू बार कैसे फाइंड होता है, समीशन या सिग्मा FI इंटू UI अपॉन समीशन दैट इज सिग्मा FI। इनका वैल्यू था 47 और इनका वैल्यू था 25, तो इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो भी नंबर आएगा वो यहां आपको लिखना होगा। तो देखिए स्टूडेंट इन डिवाइड करने पर 1.88 आता है। और अब मीन फाइंड करने के लिए हम लोगों को स्टेप डिवीजन मेथड में x बार इज इक्वल टू a प्लस जी यू बार ये फॉर्मूला पता है। a तो हमने एज्यूम किया था 5, जी हमारा गैप जो है वो 10 का गैप है क्लास क्लास में, और यू कितना है 1.88। 5 प्लस जैसे ही 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिसिमल वहां पर खसक जाएगा यानी 18.8 हो जाएगा और इसका एडिशन 23.8 होता है, दैट इज आवर मीन। तो सबसे पहले मैं आपका रिवीजन करा दूं, तो क्लास हमारा सेम था क्योंकि हमने एक ही क्वेश्चन से तीनों मेथड हमने समझने की कोशिश किए थे। आपने स्टार्ट से लेके एंड तक अब देखा कि हमारा क्वेश्चन सेम था और हमने तीनों मेथड समझने की कोशिश किए। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूं, क्लास जो होता है 0 से 10, 10 से 20 सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ये क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, XI कॉलम जिसे कहते हैं, क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने पर ये निकलता है। अगर आप एक नंबर निकाल लेते हो और उसके बाद में अगर आप गैप देखते हो कि सेम कॉन्स्टेंट आ रहा है तो कॉन्स्टेंट गैप से आप सेम नंबर लिख देते हो। फिर डेविएशन कॉलम ये जो DI वाला कॉलम है ये बनाने के लिए इसके अंदर जो XI वाले कॉलम में से किसी एक को एज्यूम कर और उसी में से माइनस कर देंगे तो डेविएशन वाला कॉलम रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो कॉलम है UI ये मरहला गुरेज यानी स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर न्यू कॉलम होता है। इसके अंदर DI का जो कॉलम होता है, DI के अंदर के जितने भी आउटकम्स है सबको क्लास के इंटरवल से डिवाइड करेंगे, क्लास का इंटरवल यानी गैप जो होता है उससे डिवाइड करेंगे, तो ये UI वाला कॉलम रेडी हो जाएगा। और फिर लास्ट में जो कॉलम होता है FI × UI जो फ्रीक्वेंसी और UI वाला जो कॉलम है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से ये कॉलम तैयार हो जाएगा। फिर हम इसका एडिशन निकाल लेंगे
और इस यू बार पहले फर्स्ट मालूम कर लेंगे, मीन मालूम करने से पहले यू बार पहले फर्स्ट मालूम कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला है समेशन या सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू जो वैल्यू था इसका 47 अपॉन समेशन एफ आई जो था 25 था, डिवाइड करने पर 1.88 आता है। फिर मीन फाइंड करने का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस जी इंटू यू, इसमें ए जो है एज्यूम मीन है और जी जो है वो गैप ऑफ अ क्लास है और यू जो है ये हमारा आंसर है। सारी वैल्यू पुट अप करने के बाद जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.88 को तो वो 1.88 18.8 हो जाएगा, डिसिमल जो है वो 1 पॉइंट आगे चला जाएगा और 5 प्लस 18.8 यानी 23.8। दिस इज द आंसर। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।